और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सेना ने आतंकी स्नाइपर्स पर करारा वार किया है। एक बड़े एक्शन में जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भतीजे को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मंगलवार को पुलवामा के त्राल सेक्टर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के भतीजे को ढेर कर दिया। कल शाम हुई इस मुठभेड़ में मसूद का भतीजा उस्मान हैदर समेत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर हुए। उस्मान हैदर जैश के स्नाइपर स्क्वाड का मेंबर था। उस्मान हैदर इस स्क्वाड का डिप्टी चीफ भी था। उस्मान ही सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्नाइपर अटैक्स को लीड करता था। पुलिस के मुताबिक उस्मान समेत मारे गए 2 आतंकी पाकिस्तानी हैं, जबकि एक आतंकी स्थानीय है। पुलिस ने एनकाउंटर साइट से एक स्नाइपर राइफल भी बरामद की है। पुलिस को इन आतंकियों के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिला था। इसी के बाद त्राल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उस घर को घेर लिया गया जहां ये 3 आतंकी छिपे थे। इसके बाद एनकाउंटर में मसूद अजहर का भतीजा उस्मान हैदर मारा गया। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कल बड़ी कामयाबी मिली है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भतीजे को मार गिराया गया है और वो बताया जाता है कि जो स्नाइपर स्क्वाड था जैश ए मोहम्मद का, उसी का सरगना था और उसी के नेतृत्व में लगातार हम देख रहे थे किस तरह से स्नाइपर एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, टारगेट्स किया जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस को। और ये बड़ी कामयाबी है घाटी में जो हमारे फोर्सेस है उनके लिए, क्योंकि जब उसके कमांडर, जो स्नाइपर स्क्वाड का कमांडर, उसको आप ढेर करते हैं तो उनके पूरे स्क्वाड तहस नहस हो जाता है और धीरे धीरे पकड़ और बढ़ती जाती है। तो एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके हाथ में आप देख सकते हैं M4 राइफल है जिसमें टेलीस्कोपिक लेंस भी लगा हुआ है, जिसके जरिए करीबन 250 मीटर तक वो निशाना साध सकते हैं। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत चिंता की बात थी कि जिस तरह से स्नाइपर्स टारगेट कर रहे थे हमारे फोर्सेस को, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ इन्हें ढेर किया गया है।